वहीं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के बीएसपी से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मऊ जिला प्रशासन ने आज एक बार फिर मुख्तार अंसारी गैंग आईएस 191 पर कार्रवाई करते हुए मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम पर दर्ज 24 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क करने का काम किया है। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से मुख्तार अंसारी गैंग आईएस 191 में हड़कंप की स्थिति बन गई है। बता दें कि जो जमीन मुख्तार अंसारी के बेटों के नाम पर दर्ज थी वह शहर के पॉश इलाके में है, जिसकी कीमत जिला प्रशासन ने 24 करोड़ तक का आकलन किया है। हम लोग यहाँ पर माफिया अपराधी मुख्तार अंसारी उप सुभान अंसारी निवासी दर्जी टोला थाना यूसुफपुर जनपद गाजीपुर, जिनके विरुद्ध थाना दक्षिण टोला पर मुकदमा अपराध संख्या 55/21 धारा 14 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत है, जिसकी विवेचना मेरे द्वारा की जा रही है। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि मुख्तार अंसारी अपराधी द्वारा अपराध से अर्जित की गए धन से अपनी माँ के नाम जो एक गृहिणी थी यहाँ पर करीब 24 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने पूर्व में खरीदा था। उनकी माँ ने वसीयत के आधार पर वो सारी संपत्ति मुख्तार अंसारी के दोनों लड़के अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम आ चुकी है। ये सारी संपत्ति में जांच किया गया, सभी गुप्त तरीके से ये संपत्ति अर्जित की गई थी, जिसके संबंध में सारे साथ संकलन कर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को द्वारा उचित माध्यम रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। एक जिनकी संपत्ति थी जो इन्होंने अपने माँ राविया बेगम के नाम से क्रय किया था, जो बाद में उनके पुत्रों के नाम से वसीयत के आधार पर आ गई है। ये काफ़ी बड़ी संपत्ति थी। जब इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई तो इस पर कार्रवाई करने का आधार बना और हम लोग आज इस संपत्ति को कुर्क कर रहे हैं। इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 24 करोड़ रुपए है और इसमें एक धार्मिक स्थल स्थित है, उसके जो आराजी संख्या 869 में है उसके 20x12 का जो क्षेत्र है उसको हमने छोड़ दिया है, उसको हम कुर्क नहीं कर रहे हैं, बाकी पूरा क्षेत्र कुर्क किया जाए।